खबर काशी से है। आपको बता दें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नान नेट शोध वृद्धि हेतु चल रहे धरने का आज 12वां दिन है। धरनारत छात्र छात्रा आंदोलन के साथ साथ अपना शोध कार्य भी कर रहे हैं, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस बात से शोधार्थियों में बहुत रोष व्याप्त है। केंद्रीय कार्यालय से कुलपति कार्यालय होते हुए सिंह द्वार तक लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च किया। मालवीय भवन पहुंचकर शोधार्थियों ने मालवीय जी को दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए शोधार्थियों ने आर्थिक संकट के कारण अपने विभिन्न समस्याओं को बताया। आपको बताते चलें, छात्र सिंह द्वार पर मालवीय को माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन लंका पुलिस ने उन्हें गेट के अंदर ही जाने से रोक दिया। मैं योगेश कुमार यादव, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में रिसर्च स्कॉलर हूँ। किस तरह के कैंडल मार्च हम लोग जो है ये कैंडल मार्च इसलिए लगा रहे हैं कि आज जो है 12 दिन से हम लोग कंटिन्यू दिन रात यहाँ इतनी ठंड में और डेंगू का प्रकोप बनारस में बना हुआ है, उस स्थिति में 24 घंटे हम लोग जो है यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन BHU प्रशासन की तरफ से कोई भी हमसे बात करने आज तक नहीं आया है। और हमारे लिए ये धरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारी लैब होती है, हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, हमारे पास समय बहुत कम होता है। उस स्थिति में यहाँ बने रहना, यहाँ प्रदर्शन करना और हमारी बातें न सुनी जाना, ये बहुत दुखद बात है हमारे लिए। हम लोग इससे क्षोभित होकर आज कैंडल मार्च कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग, जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनको मतलब रोशनी मिले, देखें, जाने, ज्ञान भगवान सद्बुद्धि दे तो आके हमसे बात करें कम से कम। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो हमारी फेलोशिप है लगभग 20 साल से 20 पैसे भी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको 8,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया जाए, क्योंकि इस दौरान जो है इनका फीस वृद्धि हुआ, कैंटीन का पैसा बढ़ा, मेस का पैसा बढ़ा, हॉस्टल का पैसा बढ़ा, तमाम तरह की चीज़ें, सब सारी चीज़ें बदल गई। 20 साल बहुत होता है लगभग, और इस पीरियड में हमें हमारा 20% मतलब 20 पैसे भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कैंडल मार्च हम लोग जो है सेंट्रल ऑफिस से लेके जो है BHU मेन गेट लंका सिंह द्वार जो है वहाँ तक करेंगे।